माता वसीयत अपने नाम लिखने से कुछ नहीं होता, ये तो उड़ान तय करती है कि आसमान किसका होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैसव, और फिर से स्वागत है और एक नया ताजा गर्मा गर्म गेमप्ले में। तो आज मैं एक रैंडम बंदे के साथ खेल रहा था और उतरते ही साला ने एटीट्यूड दिखा दिया। मैंने कहा था कि आ जाओ मेरे साथ लॉन्च बेस पर बेटा ठहरा प्रो बंदा भाई, वो तो मुझे छोड़ के बस स्टेशन चला गया। कोई बात नहीं, चलो भाई, पर देखना उसके साथ क्या होता है, और फिर मैं उसे बचाऊंगा भी। पर आज तक कभी कुत्ते की पूछ सीधी हुई देखी है क्या? कभी नहीं। तो गाइज, ऑलरेडी हम तो लेजेंडरी में खेल ही रहे हैं, तो लेजेंडरी में हम जैसे नूबरो का तो किल करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी इस मिशन के बारे में बात करते हैं, तो पहले तो मैं अपने टीममेट को इतनी बार बचाऊंगा, नहीं दो बार लगभग शायद, और ऐसे ऐसे सिचुएशन में। पर फिर भी वो बंदा साला मेरे साथ कभी नहीं देता है, यही प्रॉब्लम होता है रैंडम बंदे के साथ। तो ये सारे कंट आगे जाके घटेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वैसे भी आपको तो पता ही है मेरे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होता है, तो लेट्स गो। लो भाई, हमारा प्रो बंदा टपक गया। बेइज्जती और बीवी अजीब चीज होती है, अच्छी तभी लगती है जब दूसरे की होती है। क्या गंदा मारा था भाई, स्नाइपर लेके एक ही तक से मुझे ही देख रहा था साले ने। तो चलो, मेरे प्रो वाले दोस्त के साथ तो पहली वाली घटना घट गई है, तो उसे बेइज्जती से बाहर लाते हैं। पर उससे पहले यहाँ पे भी दो तीन बंदा है शायद, और मैं सबको मारते जाऊंगा तो वो मेरा बंदा लुढ़क जाएगा, इसलिए मेरे पास आने वाले बंदे को भी मार के मैं निकलता हूँ यहाँ से। देखो भाई कहाँ मरा पड़ा हुआ है, और मतलब इन वक्त पे मैं उसका क्रिएट ले पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी काफी सारे बंदे हैं। पर सबसे पहले तो उसे रिवाइव करना होगा। ये तो बेटा सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, तो अंदर और एक बंदा है, पर पहले मैं टीममेट को बचाना प्रीफर करूंगा, क्योंकि कभी हम भी तो इतना भी प्रो नहीं है भाई, पर साले बचाने देगा तब ना। चलो भाई, अपने टीममेट का तो टॉकटेक ले लिया है और उसे फटाफट बचा लेते हैं। बहुत ही मशक्कत करने के बाद इस बंदे को तो मार दिया है, पर उसका साथी भी आया था, पर अभी जोन भी आ गया है, इसलिए मैं जोन के बाहर फाइट नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो कितना दूर भागेगा, बाद में ये प्लेन भी डिस्ट्रॉय कर देगा तो मेरा एल लग जाएगा। और इसमें तो आपको पता ही है जोन के बाहर फाइट लेना बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि आप हेल्थ नहीं बढ़ा सकते हैं, हेल्थ आपका अपने आप बढ़ेगा, आप सिर्फ आर्मर को ही रिपेयर कर सकते हैं। और अभी आप मैप में देखिए मेरा टीममेट कहाँ पे है, मैं साला यहाँ पे उसको बचाने के लिए आया इतनी दूर से, पर उसे बचाने के बाद वो बंदा कहाँ उतर गया। साला इतनी मेहनत करने के बाद भी किल चोरी हो गया, कोई बात नहीं, तो एक किल तो मिला भाई। ऐसे वक्त पे रॉकेट लॉन्चर को बहुत ही मिस करता हूँ, पर इसलिए और एक गन साथ में ले जाने का बंदोबस्त करना चाहिए था इन लोगों को। नीचे देखो भाई, पूरा झगड़ा चल रहा है आपस में, तो उन लोगों का भी हाल चाल पूछ लेते हैं। यार स्वागत नहीं करोगे हमारा? भाई साहब शुरुआत कहाँ से करूँ यार, कंफ्यूज आ गया भाई। तेरी एक तो गया, अबे दूसरा किधर चला गया? बाहर से भी गिर रहा था तो गोली भी इधर उधर चला गया था। तो कल मेरे एक दोस्त ने अपने क्लास को इम्प्रेस करने के लिए फेसबुक में पोस्ट किया था, काश की तुम मौत होती, एक दिन ही सही मेरी तो होती। तो मैंने रिप्लाई कमेंट में कर दिया, भाई अगर वो मौत होती तो एक दिन सबकी होती। तो यहाँ से हम लोग मस्त गाड़ी लेके जा रहे थे, और आसपास भी बंदे जा रहे हैं, पर हम उस पर फायर कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि सब लोग जोन में ही जा रहे हैं, तो क्या ही करें, जोन में जाके देखते हैं, सभी का खबर लेते हैं। तो आगे हैं हम लोग इस मिशन के अंतिम भाग पर, जो कि खतरनाक होने वाला है, तो मेन क्लाइमेक्स अभी बाकी है, देखना इस छोटी सी क्लाइमेक्स में कितनी तबाही मचने वाली है। भाग क्यों रहा था भाई, लगता है गोली रिलोडिंग पे लग गया था इसका। भाई साहब नीचे देखो भाई, खूनी मंजर चल रहा है वहां पे, तो हम भी चलते हैं। वैसे भी आता तो नहीं हमको खेलना, पर फिर भी दूसरों के बीच में टांग अड़ाने में मजा आता है। Engaging zombies.
साले गोली चलाने के चक्कर में भूल ही गया था, कुत्ता तो उसे दौड़ा रहा था, तो मैं क्यों कुत्ते को मारने गया यार। देव को क्या ही तबाही है साले, हम तो साले तांग अड़ाने आए थे पर लगता है तांग ही फंस गया। देखना भी मेरे दोस्त का कमाल। साला आंखों के सामने ही तीन गोली उसके सर पे या सीने पे कहीं पे भी तो लगा है ना। टीबीआर का तो 91 डैमेज है फिर भी साले। अरे मातरचोद भाई साहब की तो गुस्सा सातवें आसमान में चढ़ गई है। और जितने बंदे यही आसपास ही घूम रहा होगा, गाड़ी को साथ में रखते हैं, शायद कुछ काम आ जाए, क्या पता। देखो भाई मेहमान तो राइट साइड में ही खड़ा हुआ है, यहाँ से तो किसी का एंगल ही नहीं मिल रहा है। और दो ही बंदा बचा हुआ है, तो अभी देखना मेरे साथ कितनी बड़ी हादसा होने वाला है अभी के अभी। तो मुझे लगा ये बंदा थोड़ा सा तो डैमेज होगा, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे सीधा उन पर रश कर देता हूँ। पर बेटा मन में लड्डू फूटा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो गाइस मुझे लगा था कि वहाँ पे एक ही बंदा होगा, पर वहाँ पे दो बंदा निकला। और वैसे भी मैं ले लेता पर उसने साला प्लास्टर मार दिया, वो भी मुंह के ऊपर, और मेरा गन भी रीलोड पे आ गया था। पर क्या ही करे, बिना हार से तो जीत की मजा ही कहाँ है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिए जो भी फिल्म में आए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और अभी 200 सब्सक्राइबर के लिए मैं बहुत ही तड़प रहा हूँ, तो प्लीज जल्द से जल्द 200 करा दीजिए। फिर मांगेंगे 300 के लिए 400 के लिए, वो बाद में होता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हेल्प पीपल।